एक चर्चा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और उस चर्चा के अंदर विपक्ष कह रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया और भारतीय जनता पार्टी सारे तर्क दे रही है कि हम इसलिए नहीं बुलाएंगे, हम इसलिए नहीं बुलाएंगे, हम इसलिए नहीं बुलाएंगे। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि आपके देश की संसद का उद्घाटन है, पूरे राष्ट्र के लिए एक उत्सव जैसा समय है और आप कह रहे हैं कि हम इन्हें बुलाएंगे नहीं, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, तर्क दे लेंगे, कुतर्क कर लेंगे, मगर इनको नहीं बुलाएंगे। ये बात भी गौर करने योग्य है कि जब इस संसद भवन के शिलान्यास का समय था तब देश के राष्ट्रपति श्री कोविंद थे जो कि दलित समाज से आते हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया, टोकने के बाद भी नहीं बुलाया गया। आज जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो एक शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति से आती हैं, इतनी बहस की जा रही है मगर उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कुरीति रही हमारे समाज में कि जब भी कोई पूजा पाठ होता था, कोई यज्ञ होता था, कोई हवन होता था, दलित समाज के लोगों को उससे दूर रखा गया, कई बार तो मंदिरों तक के अंदर उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। और हजारों वर्ष से ये कुरीति हमारे समाज में रही। आज हमारे देश के पास एक बहुत बड़ा मौका है ये दिखाने के लिए कि ये कुरीति आज हमारे समाज में नहीं है। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की राष्ट्रपति को एक यज्ञ से, एक शुभारंभ से, एक शुभ कार्य से दूर रख रही है, कुतर्क दे रही है मगर उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ये वही रूढ़िवादी मानसिकता है जिसमें दलित समाज के लोगों को पूजा पाठ, शुभ कार्यों, यज्ञों, हवनों से दूर रखा जाता था। और ये बहुत ज़्यादा जो है शर्म का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इस सब को जानते हुए भी उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है।